नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। कोरोना काल में इन दिनों भेल शिक्षा निकेतन VHEL के शिक्षक अपने मई माह के वेतन को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इन शिक्षकों का आमदनी का एकमात्र जरिया केवल उनका वेतन ही है, जो VHEL प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और लगातार शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका वेतन शीघ्र आपके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन पूरा जून माह बीत जाने के बाद भी इन शिक्षकों के खाते में अब तक मई माह का वेतन ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इसी सिलसिले में आज भेल शिक्षा निकेतन के कॉरिडोर में सभी शिक्षकों ने एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक बैठक की, जिसमें सभी शिक्षकों ने भेल मैनेजमेंट से मांग करते हुए कहा कि माह मई का वेतन शीघ्र उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। जब मीडिया कर्मियों ने भेल शिक्षा निकेतन के प्राचार्य से उक्त संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूं। मुझे मैनेजमेंट जो आश्वासन दे रहा है वही मैं शिक्षकों को बता रहा हूं। आज मैनेजमेंट ने मुझसे कहा कि 11 बजे तक आप सभी के खातों में वेतन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक वेतन ट्रांसफ़र नहीं किया गया। जब मीडिया कर्मियों ने उक्त संबंध में भेल शिक्षा निकेतन स्कूल के मैनेजमेंट से फ़ोन पर वार्ता की तो बताया गया कि भेल शिक्षा निकेतन के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के मई माह के वेतन का अप्रूवल विगत सोमवार को शाम को हो चुका था और आज हमने वेतन को पंच कर दिया है। शीघ्र ही शिक्षकों के बैंक खातों में उनका वेतन पहुंच जाएगा, लेकिन समाचार प्रसारित होने तक शिक्षकों के खातों में मैनेजमेंट द्वारा वेतन ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। कार्य करते हैं और यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज 23 तारीख हो गई, 23 जून हो गई है और हम लोगों की जो पेमेंट है वो समय से नहीं पहुंची है। इसलिए हम सब शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये इस मंथ की बात नहीं है, ये हमेशा ही हम लोग के साथ ऐसा होता आ रहा है कि सैलरी हम लोग की समय से पहुंचती नहीं है, जिससे कि सबको परेशानी का सामना हो रहा है। इस समस्या के हल के लिए हम लोग ने आपस में बैठक करी और इसका हल जानना चाहते हैं। वेतन के स्थायी कर्मचारी हैं, अपने वेतन को लेकर बहुत परेशान हैं और मैं तो एक सिंगल हैंड लेडी हूँ, मेरे को पैसे की इतनी समस्या हो रही है इस समय। और ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो रहा है कि 14 तारीख 15 तारीख 13 तारीख, मतलब जो सैलरी हम लोग की 2 तारीख को आना चाहिए वो आए दिन अब लेट होने लगी है। इस बार तो अति हो गई है क्योंकि कल 24 तारीख है, कल हमारी जून की तनख्वाह बन जानी चाहिए और मई की तनख्वाह के लिए आज यहाँ बैठे हैं और प्रधानाचार्य से पूछने आए थे कि सर तनख्वाह कब मिलेगी, तो हमको ये बोला गया कि आप लोग 2 घंटे बैठी है बैंक में सैलरी पहुँच रही है। VM गुप्ता साहब ने बोला है, शायद सेक्रेटरी साहब ने बोला है, सर 2 घंटे बाद पहुँच जाएगी। सचिव साहब ने बोला है ना ये? हाँ, 2 घंटे बैठिए, ये नहीं बोला। हाँ, उन्होंने ये बताया कि 2 घंटे में सैलरी पहुँच जाएगी, तो हम लोग सोच रहे हैं जब हम आए हैं तो अपनी सैलरी का मामला क्लियर करके जाएं, क्योंकि सर पैसों की बहुत ज़रूरत है इस समय और मैं तो ग्वालियर से चली आ रही हूँ इस समय, बस यही समस्या है, इसलिए हम लोग विद्यालय में आए हैं। थैंक यू। हम लोग यहाँ अपने वेतन लेने के लिए आज प्राचार्य महोदय से संपर्क करने के लिए आए हुए हैं और अभी मई का वेतन हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है और ऐसा प्राचार्य महोदय ने बताया हुआ है कि हम लोगों को आज 12 बजे के आसपास तक वेतन मिल जाएगा। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। ये आपके जो टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं? ये मई महीने की सैलरी लेट हो गई है, अभी तक नहीं पहुँची है, उसकी जानकारी लेने आए हैं क्यों लेट हो गई है। तो वो कब तक मिलने का है? अभी मैनेजमेंट से मैंने बात की है तो बोले 2 घंटे के आसपास बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। कितने बजे बात हुई थी मैनेजमेंट से आप? करीब आधा पौन घंटा हो गया। कितना टाइम हो गया होगा? 10 बजे की थी सर, 11 बजे, एक घंटा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट।